नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एसी न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डोंगरगढ़ माता के दर्शन करने जा रहे पदयात्रियों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस रख रही निगरानी। नेशनल हाईवे में 2400 घंटे तैनात रहती है हाईवे पेट्रोलिंग और नवरात्रि पेट्रोलिंग की टीम। नवरात्र पर पंचमी की चुनरी शोभा यात्रा की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन समिति पदाधिकारियों से की चर्चा। चर्चा के उपरांत रूट किया गया तय। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नांदगांव में हुए दौरे के बाद प्रदेश की राजनीति में जुबानी रंग हुई तेज। कांग्रेस प्रवक्ता ने गृह मंत्री अमित शाह पर लगाया सांप्रदायिक तनाव भड़काने और भाषण देने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजनांदगांव में हुए दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग तेज हो गई है। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने शाह से प्रश्न पूछा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर वह और उनकी सरकार मौन क्यों है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए भाषण देने का आरोप भी लगाया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में बिरनपुर मामले में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए योजनाबद्ध तरीके से भाषण दिया है। हम चुनाव आयोग से अपेक्षा करेंगे कि वह स्वयं संज्ञान ले और शाह पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी भी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह राजनांदगांव आए थे। राजनांदगांव में वे डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए। देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अमित शाह ने आज राजनांदगांव की सभा से छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का काम किया, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का काम किया, छत्तीसगढ़ की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार करने का काम किया। देश का गृहमंत्री जब आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो देश की जनता यह अपेक्षा करती है कि चुनाव आयोग इसका स्वयं संज्ञान लेगा और अमित शाह के ऊपर धार्मिक विद्वेष भड़काने के आरोप में कार्रवाई करेगा। अमित शाह का भाषण छत्तीसगढ़ में धार्मिक विद्वेष भड़काने वाला था। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि अमित शाह के खिलाफ हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। दूसरी बात, अमित शाह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के समान ईडी के रट्टू तोते की भांति ईडी के द्वारा लिखी गई झूठी पटकथा को पढ़ रहे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय अपने एक दिवसीय प्रवास पर महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव की जानकारियां ली। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 साल की कांग्रेस सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर राज्य की जनता को लाभ पहुँचा है, उसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। इस बार भी जनता अपना आशीर्वाद देकर प्रदेश में काबिज करेगी। आज जिस तरह से पूरे देश में और प्रदेश में माहौल है, भाजपा जिस तरह से लगातार हार के डर से प्रदेश की जनता को धमकाने का काम कर रही है, उसका एक बड़ा उदाहरण कल देखने को मिला जब देश के गृह मंत्री जी आए थे और जिस तरह उन्होंने ईडी सीबीआई का डर दिखाने का काम किया है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। चुनाव आयोग को जरूर इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कुछ वैसे मुद्दों को उठाने का काम किया गया जो कहीं न कहीं चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है, हमारी पार्टी ने उस पर भी कहीं न कहीं चुनाव आयोग को प्रयास किया है उस पर चर्चा करने का और चुनाव आयोग को अपील किया है कि वो उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करे। भाजपा पूरे देश में
जब भी चुनाव आता है तो डर, भय और नफरत का माहौल पैदा करने का काम करती है। हम लोग बार बार कहते हैं कि आइए जन मुद्दों पर बात कीजिए। आपने जो वादे किए थे केंद्र स्तर पर, देश के स्तर पर महंगाई बेरोजगारी कम करेंगे, वो वादा था आपका, क्या हुआ वो वादा? आपने कहा था पेट्रोल 100 के आज पार है, आपने कहा था पेट्रोल जो है 35 और 40 रुपए में मिलेगा, आज क्या हुआ? पेट्रोल डीजल क्यों 100 के पार हो गया है? क्यों खाने का तेल, पकाने का तेल, चलने का तेल इतना ऊंचा है, आसमान छू रहा है? और कहीं ना कहीं इस माध्यम से महंगाई और बेरोजगारी से आपने जनता का क्यों तेल करने का काम किया है, ये इसका उत्तर दीजिए। चुनाव में लोग, छत्तीसगढ़ की जनता भी पूछ रही है कि महंगाई क्यों इतनी बढ़ी, बेरोजगारी देश में इतनी क्यों है, उसका असर प्रदेश पर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। नवरात्रि पर्व के अवसर पर दुर्ग के सत्ती चौरा मंदिर से पंचमी पर शहर में निकाली जाने वाली भव्य चुनरी शोभा यात्रा की रूपरेखा की तैयारी देखने पुलिस विभाग ने दौरा किया। नवरात्रि पर्व के अवसर पर दुर्ग सत्ती चौरा दुर्गा मंदिर गंजपारा से भव्य चुनरी शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके चलते इस बार आगामी विधानसभा चुनाव और लगे आचार संहिता को देखते हुए शहर की विभिन्न समिति, लगभग 27 समितियों की आम राय से एक साथ चुनरी शोभा यात्रा निकालने का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते दुर्ग पुलिस से एएसपी अभिषेक झा, एडीएम मुकेश रावटे, दुर्ग सीएसपी मणिशंकर चंद्रा, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी महेश ध्रुव सहित बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचकर समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद ये तय किया गया कि सभी समिति द्वारा एक साथ पंचमी के दिन चुनरी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी ने जानकारी दी। विगत कई वर्षों से यहाँ दुर्ग शहर में चुनरी की रस्म होती है, जो चंडी माता मंदिर में चढ़ाया जाता है, तो इस साल भी यहाँ पर की जितनी समितियां हैं वो लोग मिलकर उनको 9 दिन ना करके एक दिन पंचमी के दिन में करने वाले हैं, जिसका आज जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सर जो है और उनके द्वारा सीएसपी सर और अन्य स्टाफ के द्वारा जो है और एसडीएम साहब के द्वारा जाकर जो रूट है जहाँ से चुनरी यात्रा निकलनी है और चंडी मंदिर के पास में जाकर समाप्त होना है, उसके संबंध में जाकर निरीक्षण किया गया है और जो शासन के जो गाइडलाइन है और अभी आचार संहिता लगा हुआ है उसके संबंध में भी सारी समितियों को बताया गया है और अब उसको पूरा करने के लिए अभी प्रयास किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। न्यू स्टार सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति का 29वां वर्ष वृंदावन की चली झांकियां, साथ ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। न्यू एस विकास समिति वार्ड 22 प्रगति नगर कुरुत भिलाई। आप सभी माता रानी का दर्शन लाभ लेने अवश्य पहुंचे। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर सादी है। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट, दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पटनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है।
तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्य मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। ग्रैनीसीन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट। नमस्कार। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 07884011778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरे पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथलैब की सुविधाएं,
साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 777-30-777-11, 777-30-777-22। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आप सबका स्वागत है। नगर निगम प्रशासन द्वारा गौरव पथ ओम शांति चौक से हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी पहुंच मार्ग के बीच बने डिवाइडर में वृहद रूप से पौधारोपण किया गया था, लेकिन निगम कर्मियों की लापरवाही और देखरेख के अभाव में सभी पौधे ठूठ में तब्दील हो गए हैं। नगर निगम क्षेत्र को हरा भरा रखने के उद्देश्य से निगम प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर निगम क्षेत्र में पौधारोपण किया गया था, लेकिन अधिकांश स्थानों में निगम द्वारा लगाए पौधों ने दम तोड़ दिया है। ऐसी ही स्थिति वैशाली नगर गौरव पथ स्थित ओम शांति चौक से हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी पहुँच मार्ग में देखने को मिलती है। यहाँ भी निगम प्रशासन द्वारा डिवाइडर के बीच पौधे लगाए गए थे। उन पौधों को ट्री गार्ड से सुरक्षित भी किया गया था, लेकिन अधिकांश पौधे देखरेख के अभाव में ठूंठ में तब्दील हो चुके हैं। पौधों को ट्री गार्ड से सुरक्षित नहीं किया गया था, उन सभी पौधों को सड़क में घूमते आवारा मवेशियों ने अपना भोजन बना लिया है, जिसकी वजह से कोई भी पौधा पनप नहीं सका। साथ ही गौरव पथ ओम शांति चौक से कालीबाड़ी हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग के बीच बने डिवाइडर में जंगली कटीली झाड़ियों की भरमार हो चुकी है, जो फैल कर सड़क तक आ चुकी है। इसकी वजह से इस रास्ते से आवाजाही करते दो पहिया चालकों को परेशान होना पड़ता है। इन जंगली कटीली झाड़ियों के बीच बैठे कुत्ते अचानक से सड़क पार करते हैं, जिससे दो पहिया वाहन चालकों के अनियंत्रित होकर गिरने का भय बना रहता है। इसकी कांट छाट को लेकर भी निगम प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निगम का पौधारोपण अभियान पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। पदयात्रियों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने वाहनों की रफ्तार कम करने हाईवे में ड्रम और स्टॉपर से जिगजैग बनाए हैं। साथ ही विभिन्न स्थानों पर पदयात्रियों को बाएं चलने और रूट से अवगत कराने फ्लैक्स भी लगाए हैं। यातायात पुलिस द्वारा पदयात्रियों की सुरक्षा को लेकर नेशनल हाईवे में 4 हाईवे पेट्रोलिंग के अतिरिक्त 4 नवरात्रि पेट्रोलिंग 24 घंटे के लिए तैनात किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश में DSP यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा डोंगरगढ़ दर्शन के लिए जाने वाले पदयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पदयात्रियों के पीठ और बैग में रेडियम स्टिकर लगाया जा रहा है, ताकि रात के समय वाहन चालकों को पदयात्री आसानी से दिखाई दे सकें, साथ ही किसी दुर्घटना से बचा जा सके। पदयात्रियों के लिए रूट चार्ट एवं सर्विस रोड में बाएं चलने विभिन्न स्थानों पर फ्लैक्स भी लगाए गए हैं। नवरात्रि के दौरान डोंगरगढ़ जाने वाले वाहन चालकों की भीड़ को देखते हुए नेशनल हाईवे में वाहनों की रफ्तार कम करने, ड्रम एवं स्टॉपर से विभिन्न
विभिन्न स्थानों पर जिग जैग बनाया गया है। इसके अतिरिक्त यातायात पुलिस द्वारा 4 हाईवे पेट्रोलिंग के साथ 4 नवरात्रि पेट्रोलिंग को भी तैनात किया गया है। जो पदयात्री मार्ग कुम्हारी से अंजोरा बाईपास तक 24 घंटे निरंतर अपने अपने क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते रहेंगे। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने बताया कि पदयात्रियों को मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा होने पर वे यातायात हेल्पलाइन नंबर 9479192029 पर संपर्क कर सकते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। नवरात्रि के अवसर पर दुर्ग कन्या कॉलेज में देशी डे के बैनर तले भव्य गरबा नृत्य डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर दुर्ग के कन्या महाविद्यालय में देशी डे के बैनर तले मंगलवार को भव्य गरबा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी कड़ी में नृत्य संगीत विभाग अध्यक्ष डॉ. रीचा ठाकुर ने बताया कि कॉलेज की छात्राओं का लगभग 150 ग्रुप इस प्रतियोगिता में शामिल होकर डांडिया गरबा और रास गरबा की प्रस्तुति दे रहा है। साथ ही बताया कि आयोजन लगातार 6 सालों से करते आ रहे हैं, इसको लेकर बच्चे पूरे साल तैयारी किया करते हैं। इसके साथ ही इन छात्राओं ने ट्रेडिशनल लुक में मंच पर अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के संबंध में प्राचार्य सुशील चंद तिवारी ने बताया कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बच्चे अपने देशी छत्तीसगढ़ी सहित अन्य कल्चर से परिचित हों और अपने स्तर पर तैयारियाँ करें। इसी उद्देश्य से आज बच्चे गुजरात के कल्चर पर आधारित गरबा नृत्य पर अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। साथ ही कहा कि हमारे यहां पढ़ाई के साथ विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, ताकि बच्चे कुछ नया सीख सकें। तो वहीं उत्साहित छात्राओं ने भी अपनी खुशियां न्यूज टीम के साथ साझा की। तो से हम अपनी संस्था में ये देसी डे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, हमारी सभ्यताएं हैं, उससे हमारी छात्राएं परिचित हो सके और एक कल्चर भी जो है, जैसे गुजरात का हमारा कल्चर है, उससे भी परिचित हो सके और एक व्यक्तित्व विकास का एक हम माध्यम मानते हैं इसको, कि विद्यार्थी स्वयं होकर तैयारी करते हैं और स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस करते हैं। तो आजकल जो है परफॉर्मेंस आर्ट का ज़माना है और विद्यार्थी इसमें छात्राएँ हमारी सिद्धस्त हों और उनको प्रोत्साहन मिले, इसी उद्देश्य से कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष कराते हैं और निश्चित रूप से इसमें हम सफल भी हुए हैं और बड़ी संख्या में स्वफूर्त होकर छात्राएं इसमें भाग लेती हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही मैं मानता हूँ। हमारे महाविद्यालय की छात्राओं का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है देसी डे। ये डिपार्टमेंट ऑफ डांस द्वारा हर साल लगभग हम 6 साल से इसे आयोजित कर रहे हैं। शहरों में नवरात्रि की धूम होती है, कुछ छात्राएं रात में गरबा खेलने नहीं जा पाती हैं, तो उस सब को देखते हुए हम लोग कॉलेज में इस तरह का माहौल पैदा करते हैं और लड़कियां ग्रुप बना करके इसमें कंपटीशन के रूप में भाग लेती हैं। इसमें हम शर्त रखते हैं कि आज के दिन कोई भी वेस्टर्न आउटफिट नहीं पहनेगा, पाश्चात्य परिधान का त्याग करके वो पारंपरिक परिधान पहनेंगे, चाहे वो किसी भी हिस्से का हो। और स्पेशली गरबा रिलेटेड है तो गुजराती ड्रेस में हमारी सारी छात्राएं नज़र आती हैं। और एक ये भी शर्त रहती है कि हम जो नाम है समूह का जो भाग ले रहे हैं वो हिंदी ही रखेंगे, कोई फ्यूजन नहीं, कोई मिक्स नहीं, कुछ रिमिक्स नहीं। तो हमारी छात्राओं ने नृत्य संगम, नृत्यांजलि, नवरस, माँ चामुंडा, भवानी शारदा, इस तरह के नाम रखे हैं और लगभग 150 छात्राएं आज इसमें भाग ले रही हैं। ग्रुप कंपटीशन के बाद हम ओपन गरबा रख देते हैं, जिसमें जितनी लड़कियां जो भाग नहीं भी ले रही हैं वो भी मिल करके इसको डांस करती हैं और छात्राएं इसका भरपूर मनोरंजन करती हैं। हमारा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि माँ शक्ति की आराधना है और गरबा जो है वो दीप गर्भ के नाम से पुराने समय में जाना जाता था, उसी का प्रचलित नाम आज गरबा हुआ है। तो वो माँ की शक्ति का प्रतीक है, जैसे गर्भ में जो रात्रि गर्भवती स्त्री होती है उसमें जो शक्ति होती है वो ये शक्ति गरबा के रूप में हमें दिखाई देती है। तो शक्ति और सन्मार्ग और परंपरा का अनूठा प्रतीक है ये गरबा, इसलिए आज इसे हम देसी डे के नाम से मनाते हैं। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है अपने कॉलेज वालों को कि एक साल हम पूरे देसी कपड़ों में, हम पूरे इंडियन ट्रेडिशंस में आते हैं और हमारा यूजुअली हम वेस्टर्न्स में रहते हैं। साल में एक बार होता है जब हम सारी लड़कियां वेस्टर्न को छोड़ के अपने इंडियन ड्रेस में आते हैं और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे कॉलेज की बच्चियों को एक गरबा या फिर एक कंपटीशन करने को जो बाहर नहीं जा पाते हैं। जी हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने फर्स्ट ईयर में यहाँ आए और हमने ये कॉलेज का हर रीति रिवाज को थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कॉलेज में मतलब गरबा ड्रेस, मतलब गरबा डांस बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत
छात्राएं हैं और देसी डे मनाने आए हैं, गरबा डांस करने आए हैं और ये सारी हमारी फ्रेंड्स हैं। हम लोग पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी हम लोग गेटअप में आए हैं इंजॉय करने के लिए। कॉलेज में ये देसी डे का जो प्रोग्राम है वो हर साल मनाया जाता है और ये डांस डिपार्टमेंट की ओर से होता है और इसमें हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और ये जो देसी डे है वो गरबे के टाइम पे होता है तो हमें डांस ना कर हम लोग डांस नहीं करते फिर भी इसे तैयार होकर आते हैं इंजॉय करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है हमारे कॉलेज का। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। टेंशन ना लो, शिवा ले। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइन, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड गंजपारा दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निगम के स्वच्छता कर्मियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में किसी जाति धर्म भाषा भय लोभ में आए शत प्रतिशत मतदान करने का संकल्प लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नवरात्र में 9 संकल्प दिलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत दूसरे दिन भिलाई निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में आगामी विधानसभा चुनाव में समाज के हर वर्ग को मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। संजय नगर, बैकुंठ धाम, पावर हाउस, ITI मैदान, सेक्टर 6 आत्मानंद स्कूल, हुडको मैदान सहित विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में सफाई मित्रों के साथ सुबह सुबह सैर सपाटे में निकले हुए युवाओं, महिलाओं तथा बुजुर्गों को आगामी चुनाव में लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने का संकल्प दिलाया गया। इस दौरान सफाई मित्रों ने अपना मतदाता परिचय पत्र को हाथों में लेकर हर एक वोट की भूमिका और महत्व को समझाते हुए मतदान में हिस्सा लेने का संकल्प लिया। मिल करके शपथ लेते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में स्वच्छता ही सेवा है। इस संकल्प के साथ शपथ लेते हैं कि बिना किसी डर दबाव के, बिना किसी भय के, बिना किसी प्रलोभन के हम सब लोग मतदान करेंगे, खुद भी मतदान करेंगे, दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। मतदान करना हर वयस्क का कर्तव्य है, ये हमें अधिकार है, सबको करना चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, भारत माता की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं नगर निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास जी ने शत प्रतिशत मतदान लोगों को प्रेरित करने के लिए एक अभियान के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत नगर निगम की टीम जो है 9 दिन 9 संकल्प नवरात्र में लेने का एक अभियान चला रखा है। उसी के तहत पहला दिवस शक्ति स्वरूपा महिलाओं को शत प्रतिशत मतदान का संकल्प दिलवाया गया। द्वितीय दिवस नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारी सुबह इन्होंने स्वच्छता का संकल्प लिया और उसमें शत प्रतिशत मतदान का संकल्प दोहराया। साथ में जो मॉर्निंग वॉक में निकले थे शहर के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी ने इसमें भागीदारी करके आने वाले 17 नवंबर के विधानसभा निर्वाचन में अपना शत प्रतिशत मतदान करने का संकल्प दोहराया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इस्पात नगरी के सेक्टर 7 में सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के तत्वावधान में भव्यता से नवरात्र पर्व मनाया जा रहा है। माता दुर्गा की स्थापना यहां भव्यता से की गई है। वहीं अयोध्या के श्रीराम मंदिर का स्वरूप पंडाल को यहां दिया गया है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन कर आशीर्वाद ग्रहण करने यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ भव्य झांकी, जो चलचित्र के रूप में दीवारों पर सुसज्जित की गई है, इसे देखने भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। समिति के अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीते लगभग 62 वर्षों से नवरात्र पर भव्य आयोजन किए जाते हैं, साथ ही शहरवासियों से ज्यादा पहुंचने की अपील भी की। देखिए, ये राम मंदिर इस बार जो बनाया गया है, 62वां वर्ष है हमारा और हमारी समिति हर बार एक नया नया कॉन्सेप्ट में झांकी बनाती है। हमने पिछले बार जय छत्तीसगढ़ बनाया था, उसके पहले जंगल सफारी बनाया, कभी पंजाब बनाया, केरल बनाया, गुजरात बनाया। इस बार हम लोग ने राम मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि इस बार राम मंदिर का ओपनिंग होने वाला है जनवरी महीने में, इसीलिए हम लोग राम मंदिर बना रहे हैं, क्योंकि सब लोग की आकांक्षा, इच्छा राम मंदिर का स्वरूप देखने का। तो हम लोग भिलाई में भी लोगों को दिखाना चाहते हैं। इस पंडाल के अंदर रोज सनातनी गरबा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के कई महिलाएँ और युवाएँ सब हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही लगातार कल्चरल कार्यक्रम है और जिसमें छत्तीसगढ़ी जसगी, छत्तीसगढ़ी नाचा और छत्तीसगढ़ी लोक कला के ऊपर ही सारा हमारा कल्चरल प्रोग्राम है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे पहला चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें, और हम लोग इस चीज़ को चाहते हैं कि भिलाई की जनता जो है पढ़ी लिखी जनता है और वो मतदान करें। घर से निकल के जितना ज़्यादा प्रतिशत में मतदान होगा, उतना ही जागरूक प्रत्याशी हमारे जीतेंगे। और हम लोग तो खैर
भारतीय जनता पार्टी से, तो हम लोग यही चाहते हैं कि मोदी जी का जो सपना है वो पूरा नहीं, राम मंदिर तो हमारी आस्था का प्रतीक है और उसके साथ कोई राजनीति नहीं है। राम मंदिर चूँकि जनवरी में उद्घाटन होने ही वाला है, तो कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ तक जा नहीं सकते, उनको भी एक अवसर हम लोग दे रहे हैं जिससे कि वो आके यहाँ पे दर्शन कर सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ तो बहुत अच्छा चैनल है और वो लगातार लोगों को एकदम तत्कालिक समाचार देता है, जिसके लिए मैं ग्रैंड एशियन न्यूज़ को धन्यवाद देता हूँ कि उनके चलते हम लोग सबको पूरे भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ देश का जो तत्कालिक घटना है वो पता चलती है। दुर्ग निगम के तीसरे संपत्ति कर घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल के नेतृत्व में निगम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। आम आदमी पार्टी दुर्ग लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस के अग्रवाल के नेतृत्व में तथा आरटीआई प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष मेहरबान सिंह की उपस्थिति में दुर्ग नगर निगम के तीसरे संपत्ति कर घोटाले की शिकायत दुर्ग निगम आयुक्त से की गई। इस दौरान डॉक्टर एस के अग्रवाल ने बताया कि पिछले 8 महीनों में संपत्ति कर में घोटाले का ये तीसरा प्रकरण है जो हम आपकी जानकारी में ला रहे हैं। पिछली शिकायतों के बाद भी निगम के भ्रष्ट अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने में कोई भय नजर नहीं आ रहा है। वहीं बताया कि ये मामला दुर्ग निगम वार्ड 30 समीरपारा MSIN कंपनी का है, जिसमें भवन का साइज 2613 वर्ग फीट है। दस्तावेज बताते हैं कि 2019-20 में संपत्ति कर तथा अन्य करों को मिलाकर 60,900 रुपए का भुगतान निगम ने भवन मालिक से लिया, लेकिन वर्ष 2020-21 व 22-23 में संपत्ति कर लेने में भ्रष्टाचार किया गया। इन 3 वर्षों का कुल संपत्ति कर तथा अन्य कर मिलाकर 44,184 रुपए लिए गए, जिस पर सवालिया निशान लगाते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष आरटीआई विंग मेहरबान सिंह ने बताया कि वर्ष 2019-20 के संपत्ति कर की रसीद कमर्शियल के हिसाब से ली गई थी, लेकिन वर्ष 2020-21 तथा 21-22 और साथ ही 22-23 इन 3 वर्ष की संपत्ति कर आवासीय भवन बताकर ली गई। इस प्रकार से निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने यूजर्स चार्ज में गड़बड़ी की है। वहीं एक कमर्शियल भवन को रेसिडेंशियल भवन बताकर भवन मालिक को लाभ पहुंचाया गया तथा मिल बांटकर भ्रष्टाचार किया गया। निगम के राजस्व को लाखों रुपए की हानि पहुंचाई गई, जो बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस संबंध में डॉक्टर एस के अग्रवाल ने कुछ इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी। पार्टी आज दुर्ग नगर निगम आयुक्त को संपत्ति करके घोटाले की शिकायत देने आई थी, जिसमें मुख्य रूप से कमर्शियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी करके शो करके लाखों रुपए का चूना लगाया गया। ऐसा ये तीसरा प्रकरण है। आने वाले समय में और भी हम लोग ऐसे प्रकरण यहाँ पे ला करके शिकायत करने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछले जो प्रकरण दिए हम लोगों ने उनका कुछ अंत नहीं हुआ, सबको दबा दिया गया, ऐसे ही इस प्रकरण है। दुर्ग नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। हमने पहले कई बार कहा है, लगातार संपत्ति कर मामले में भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। अभी रिसेंटली एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने में आया है, जिसमें वार्ड नंबर 30 समीरपारा में MSIN कंपनी के नाम से, अगर 3 साल का देखा जाए तो 1,80,000 रुपये होता है, जिसको 40-42,000 रुपये निपटाया गया है। इस प्रकार से नगर निगम को करीब करीब 1,20,000-1,30,000 रुपए का चूना लगाया गया है। इसी की शिकायत करने आज हम नगर निगम आए थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। माइलस्टोन खपरी में सोमवार को विद्यालय के वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए गेंद दौड़, बोरा दौड़, बोतल दौड़, मैट दौड़, पास पीटी, रिंग पार्टी, सनफ्लावर पीटी, अम्बेला पीटी, रस्साकशी सहित अन्य मनोरंजक खेल का आयोजन किया गया। खपरी स्थित माइलस्टोन स्कूल में विद्यालय का वार्षिक खेल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने विभिन्न खेल में हिस्सा लिया। बता दें, बच्चों ने गेंद दौड़, बोरा दौड़, बोतल दौड़, मैट दौड़, पास पीटी, रिंग पीटी, सनफ्लावर पीटी, अम्ब्रेला पीटी, रस्साकशी समेत अन्य मनोरंजक खेल का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शाला की डायरेक्टर ममता शुक्ला पहुंची, साथ ही साथ प्रधानाचार्य श्रीमती सरोज नायक के निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। शाला की डायरेक्टर ममता शुक्ला ने बच्चों में उत्साह वर्धन किया और बच्चों को स्वस्थ प्रतियोगिता करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा 2023 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा ने जहां 90% तो कांग्रेस ने अपने 35% प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी है। अब दोनों दलों के घोषित प्रत्याशी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में कमर कसकर चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। इस दौरान दोनों पार्टियों का केंद्रीय नेतृत्व आए दिन छत्तीसगढ़ का दौरा कर माहौल अपनी पार्टी के पक्ष में करने की कवायदें कर रहा है। इन्हीं सब विषयों को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केएस चौहान ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं केएस चौहान से हुई बातचीत के खास अंश। तो भारतीय जनता पार्टी की सूची आती है तो ये घबरा जाते हैं, ये बोलते हैं कि अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमारी पोल खुल जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हम ब्लॉक स्तर पे हम आवेदन लेना चालू करेंगे। तो ब्लॉक स्तर पे आवेदन लाते हैं, 2790 आवेदन आते हैं इनके पास। वो जिला स्तर पे जाते हैं, जिला स्तर से राज्य की चुनावी कमेटी में जाते हैं, चुनावी कमेटी से स्क्रीनिंग कमेटी में जाते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी से ये केंद्रीय कमेटी में उसको भेजते हैं। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और सबसे पहले नवरात्र पर्व की सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। जी दर्शकों, अभी अभी हमने गणेशोत्सव पर्व मनाया और अब नवरात्र पर्व की धूम चल रही है। आने वाले दिनों में दशहरा पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा मनाया जाएगा, उसके बाद दीपावली। इन सभी में एक पर्व हमारा लोकतंत्र का पर्व है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चुनाव की, विधानसभा चुनाव जो हमारे आगामी दिनों में होने वाले, वो भी एक पर्व की तरह है। इस पर्व में भी आप सभी भाग लें और अपनी भागीदारी दें, अपने मत का प्रयोग करें और अपना उम्मीदवार, अपना मन चाहा प्रत्याशी उम्मीदवार चुनकर लाएं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ हैं केएस चौहान सर, प्रदेश प्रवक्ता, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। चुनावी चर्चा के साथ कुछ धार्मिक चर्चा भी हम इनसे करेंगे, इसलिए आज इनके कम समय में हमने इनको आमंत्रित किया है। सर, आपका सबसे पहले स्वागत। आपके दर्शकों को भी और आपको भी नवरात्र की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सर, अभी चुनावी समर चल रहा है, आप देखेंगे चारों तरफ दुर्गोत्सव की धूम है और साथ ही साथ चुनावी जो समीकरण बन रहे हैं जिले सहित प्रदेश में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि भाजपा ने तो अपने प्रत्याशी घोषित कर ही दिए लगभग, लेकिन वही कांग्रेस की एक सूची आने के बाद अभी दूसरी सूची के लिए तारीख पे तारीख का दौर जो चल रहा है। ये सही कहा आपने, तारीख पे तारीख, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि छह का पहाड़ा पड़ रहे हैं। जब 17 अगस्त को आती है सूची शाहिन जी, तो भारतीय जनता पार्टी की सूची आती है तो ये घबरा जाते हैं, ये बोलते हैं कि अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, हमारी पोल खुल जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हम ब्लॉक स्तर पे हम आवेदन लेना चालू करेंगे। तो ब्लॉक स्तर पे आवेदन लाते हैं, 2790 आवेदन आते हैं इनके पास। वो जिला स्तर पे जाते हैं, जिला स्तर से राज्य की चुनावी कमेटी में जाते हैं, चुनावी कमेटी से स्क्रीनिंग कमेटी में जाते हैं, स्क्रीनिंग कमेटी से ये केंद्रीय कमेटी में उसको भेजते हैं। जो स्क्रीनिंग करके 273 लोगों का स्क्रीनिंग होता है, पैनल बनाया जाता है और 30 नाम जाते हैं ऊपर। तो 30 नाम जब जाते हैं तो वहां पर से ये बोल के वापस भेज दिया जाता है कि जो राज्य का सर्वे था और केंद्र का सर्वे था उनका, कांग्रेस का, उससे ये मैच नहीं खा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, दूसरी प्रक्रिया है। दूसरी मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि अभी जो ये 30 लोगों की जो लिस्ट आई है, कांग्रेस ने बोला कि हम पितृपक्ष के कारण नहीं कर रहे हैं और हम जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा वैसे ही चालू वो कर देंगे। अरे ये 30 लोगों की आप लिस्ट, उसमें से अधिकतर तो आपके सिटिंग MLA ही हैं और आपने सिर्फ 8 विधायकों की टिकट काटी, उसमें से भी 4 लोगों को आपने नया ऐड किया। इसका मतलब ये है कि 12% आपने ऐड किया नया न्यू फेसेस को। अब मेरे को ये बताइए कि जब उदयपुर में राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम 50% युवाओं को हम मौका देंगे, तो आपके 50% कहाँ है? जबकि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये करके दिखा दिया कि 85 में से 43 लोगों को, 50 लगभग 50 से ऊपर प्रतिशत लोगों को टिकट दी है नए न्यू फेसेस को। तो आपकी युवा कहाँ है? आपके जो लिस्ट निकली है उसमें 50% से ऊपर जो है वो 70-72% लोग हैं और उसमें से भी 60 साल से 74 साल तक
14 प्रत्याशी हैं आपके, तो आपने आपने ठगने की कोशिश की अपने जनता को भी और अपने कार्यकर्ताओं को भी। कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा ठगा है आपने, जिस जो कार्यकर्ता बहुत ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है अभी। जी, आपने कार्यकर्ताओं के ठगने की बात कही, अभी हम प्रदेश स्तर पर बात कर रहे थे, अब जिला स्तर पर करना चाहेंगे। दुर्ग जिला काफी सेंसिटिव कहलाता है। अभी अगर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो गजेंद्र यादव एक चेहरा है, हमने ऐसा ये सोशल मीडिया में देखा भी है और हमने सर्च भी किया है, काफी लोगों से पूछताछ भी की है। गजेंद्र यादव एक वो चेहरा है जिसे आम जनता पहचानने से इनकार करती है। देखिए, जब भी कोई न्यू फेस या आता है तो ये पॉसिबल नहीं होता है शाहिन जी कि 2-2.5 लाख जो जनता है वो उसको पहले से जानती हो, ये पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन गजेंद्र यादव जी बहुत पहले से हमारे संगठन में निरंतर लगे हुए हैं और जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बूथ लेवल से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी और कोई भी नया खिलाड़ी है तो भले ही दर्शक उसका खेल नहीं देखे होंगे, लेकिन वो खेल किसका देखने जाती है, वो जिताना किसको जाती है, तो टीम को जिताना चाहती है, इंडिया टीम को। जैसे आप जिताना चाहते हैं तो इंडिया टीम के लिए जो जनता है वो लग पड़ती है, उसका सपोर्ट करती है। और उसके बाद गजेंद्र जी जो है निश्चित रूप से जैसे जैसे समय आता जाएगा तो उनकी एक्टिविटीज भी सामने आएगी, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो कि हमारे दुर्ग शहर के लिए बहुत ही अच्छे प्रत्याशी। जिले के सांसद विजय बघेल पाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृहग्राम से चुनाव मैदान पे हैं, वहां पर बघेल वर्सेस बघेल ऐसा आंकड़ा सामने आ रहा है, किसी अन्य बघेल का भी वहां पर जिक्र है जिसमें 3 बघेल हो जाते हैं। क्या इसे चुनावी समर में असर पड़ेगा, चुनावी जो जो आंकड़े हैं उसमें असर पड़ेगा? देखिए, 3 हो या 30 हो, जनता किसको देखती है कि जनता ये देखती है कि विपक्ष की भूमिका किसने अच्छे से निभाई है। विजय बघेल जी हमारे पूरे भारत में ऐसे टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं जिन्होंने सर्वाधिक वोटों से सांसद का चुनाव जीता था, और हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले वो सांसद हैं। तो इसका कहीं इसको हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता वहां पर है, और वो मूलतः पाटन, उनका जो गृह ग्राम है वो पाटन ही है, तो वहां पर लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं, और पहले भी भूपेश बघेल जी को हरा दिए, और जब भी उनको शिकस्त भी मिली भूपेश बघेल जी से तो 5-6% का ही वोट ऑफ परसेंटेज का अंतर था। अभी अभी आपने कहा कि 10 लीडरों में 10 सांसदों में, टॉप सांसदों में जो सर्वाधिक मतों से जीते हैं इंडिया में, उनका उसमें इनका नाम। तो आपने था वर्ड लगाया, था जीता था, लेकिन वर्तमान में अभी कका की बयार ज्यादा देखी जा रही है लोगों की जुबान पर, कका का ही ज्यादा वो है। ऐसे में जो वहाँ के जो सांसद, अब हमारे जिले के सांसद हैं, अभी वहाँ पर दावेदारी करने के लिए कितने उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, चुनौतियाँ तो रहती हैं, कोई भी प्रत्याशी हो तो उनके लिए चुनौतियां रहती हैं, और यहाँ पर भूपेश बघेल जी के लिए भी चुनौती है, विजय बघेल जी के लिए भी चुनौती है। लेकिन विजय बघेल जी का इसलिए हम लोग आश्वस्त हैं क्योंकि विजय बघेल जी अभी जहां पर भी जा रहे हैं जनता उन्हें बहुत ही सराखों पर बिठा रही है और उनका काम देख चुकी है, वो जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने जो पहले जो वादे किए, जो पहले वादे किए, वो उनको उसको कहीं ना कहीं वो पूर्ण करने में वो अक्षम रहे, और ये सभी चीजें, और भ्रष्टाचार में लिप्तता, आप कोयला घोटाला ले लीजिए, आप शराब घोटाला ले लीजिए, आप राशन घोटाला ले लीजिए, आप रेत घोटाला ले लीजिए, जमीन घोटाला ले लीजिए, PSC घोटाला ले लीजिए, DMF फंड घोटाला ले लीजिए, क्या PSC के वहां के जो पाटन के जो नौजवान हैं, क्या वो जो PSC की तैयारी कर रहे थे तो क्या वो भूपेश बघेल जी को माफ कर देंगे? नहीं। और सिर्फ आप 1 या 2 मुद्दों से चुनाव नहीं जीत सकते, बहुत सारे मुद्दे
बहुत सारी सरकमस्टेंसेस परिस्थितियां ऐसी रहती हैं जो चुनाव जिताने में और हराने में मदद करती हैं। दुर्ग ग्रामीण की अगर बात करें तो पुराना चेहरा कह लें या फिर एक लंबी पारी अपनी राजनीति में खेले हुए राज्य के गृह मंत्री दामोदर साहू वहां से चुनावी मैदान में है दुर्ग ग्रामीण से, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपना कैसा वर्चस्व बचा पाएगी? देखिए मेन बात यह है कि जो ताम्रध्वज साहू जी हैं वो गुटबाजी के चलते हो या खुद वो करना नहीं चाहते थे, जो उनका कार्यकाल रहा वो उतना प्रभावशाली नहीं रहा। गृह मंत्री होते हुए भी वो पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए भी उन्होंने वो काम उस तरीके से नहीं कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए था और बहुत सारी नाराजगियां उस क्षेत्र में उनके प्रति हैं, उनके जो घर के जो लोग हैं उनके प्रति भी बहुत सारी नाराजगियां हैं। और जब बिरनपुर की घटना हुई थी साहू समाज का एक बच्चा वहां पर मॉब लिंचिंग में शहीद हो गया और उस साहू समाज के परिवार से भी यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो साहू समाज ताम्रध्वज साहू जी को एक अच्छी निगाहों से देखता है, एक अच्छे अच्छे लीडर के नाम से जानता है, वो वहां पर गए नहीं आज तक। क्या ये उनका दायित्व नहीं था कि वो वहां पर जाके मिल के आए, क्या दुख को बांट के आए? ये साहू अब जब वो साहू समाज के साथ ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जब उनके दुख सुख के साथ ही वो खड़े नहीं है, तो वो अपनी दूसरी जो चीजें उसको कैसे अपना कर पाएंगे? और ये उनका बहुत बड़ा ड्रॉपबैक था कि वो अपने दायित्व को पूरी अच्छी तरह नहीं निभा पा रहे थे। साझा की बात करें, अभी आपने बिरनपुर की बात कही तो साझा की हम बात करना चाहेंगे। साझा में दोनों राष्ट्रीय पार्टी के अलावा एक तीसरी पार्टी काफी सक्रियता दिखा रही है, सोशल मीडिया में काफी वायरल भी है, जबकि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों का जितना क्रेज बोलना चाहिए, जितना मांग लोगों की अपने नेता को लेकर के है उतनी दिखाई नहीं पड़ रही, तीसरी पार्टी की सक्रियता ज्यादा बढ़ गई है, क्या कहना चाहिए? देखिए कभी कभी क्या होता है कि ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी रहती है वो दिखाई नहीं देती और कभी कभी ऊपर की जो चमक धमक है वो दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो अपना आकार लेना चालू करती है और उसके बाद हम ये देखते हैं कि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो स्वरूप अलग अलग बढ़ते जाता है। तो अभी चुनाव एक बच्चे के जैसे है, जैसे जैसे वो ऊपर होते जाएगा वैसे उसकी खूबसूरती, वैसे उसका तेज, वैसे उसका मतलब आकृति वो बढ़ाते चले जाएगा, तब हमारे को क्लियरिटी स्पष्ट होगी कि ये कैसा कैसा होने वाला है और कैसे नहीं होने वाला है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी में जो ग्राउंड की जो पकड़ रहती है, जब ग्राउंड में रियलिटी रहती है वो एक अलग रहती है, वो बाद में उजागर होती है। कांग्रेस का नारा अब की बार 75 पार, क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे 75 पार करेंगे आप कि अपने दर अपने जनता को ठग के 75 पार करेंगे? क्या जनता आपको इसलिए वोट देगी कि आपने अपराध की सीमा लांघ दी, अपराधियों को शरण दिया है? क्या जनता इस वजह से आपको बोलेगी कि आपने व्यापारियों को तंग करके रख दिया है, उनका मैनिपुलेशन करके रख दिया है? क्या जनता आपको 75 पार इसलिए करके देगी कि आपने भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ दी? क्या जनता इस बार 75 पार इसलिए करके देगी कि आपने शराबबंदी कर दी है, नहीं करी है, अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है, आपने 1500 वृद्धा पेंशन नहीं दी है, विधवा पेंशन नहीं दी है, आपने स्व सहायता समूह के बेरोजगारी बेरोजगार महिलाओं का जो कर्जा है वो माफ नहीं किया है? क्या 22,000 रेडी टू ईट महिलाओं का आपने रोजगार छीन लिया था? क्या और आउटसोर्सिंग बंद नहीं की, आपने PSC घोटाला कर दिया, आपने भर्तियां अच्छे से नहीं की, किस लिए आपको 75 पार करके देंगी? और अभी ये सर्वे में पता चला था कि 66% लोग ने ये बोला है कि हम अपने वर्तमान विधायक से नाखुश हैं। तो क्या इस वजह से? और इनका इंटरनल सर्वे भी हुआ था जिसमें से इनके जो 70-72 जो विधायक हैं उसमें से 37 विधायक तो हार रहे थे और उनको फिर से टिकट दे दिया गया है। आप गिनवा आप लिख के ले लीजिए जो जितने इनके मंत्री थे
6 से 7 मंत्री इनके 100% हारेंगे। मैं आपके चैनल में फिर से बैठूंगा जिस दिन 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा, बट बैठूंगा और इस बात को आप याद रखिएगा। तो केंद्रीय मंत्रियों का वर्तमान में काफी दौरा देखा गया, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री इन दिनों काफी दौरे लगा चुके हैं छत्तीसगढ़ के, क्या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? असुरक्षित महसूस वो करता है जो गलत करा, सुरक्षित महसूस नहीं करता वो कभी। वो आप अगर मान लीजिए कि जो टीम है, टीम वर्क है, हम टीम वर्क के हिसाब से अगर किसी को एक्सपर्ट को बुलाते हैं या अनुभव साझा करते हैं, तो ये असुरक्षा कहां से हो गई? हमने गलत नहीं किया, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, हम टीम तो खिलाड़ी ही खेलेंगे, मैच तो खिलाड़ी ही खेलेंगे, लेकिन कोच की अपनी एक भूमिका रहती है। डर कौन रहा है? तो डर अलग दूसरी पार्टियां रही, दूसरी पार्टियां इसलिए डर रही है क्योंकि उन्होंने गलत किया है, और जो हमारी तैयारी है, हम अपनी इतनी संवेदनशीलता से ले रहे हैं, तो उससे वो घबराहट हो रही है उनको, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, वो चुनाव किसी और दम पे जीतना चाहते थे, काम के दम पे। जनता सब जानती है, जनता ये देखती है कि आप क्या कर रहे हो, जनता ये नहीं सुनती कि आप क्या कह रहे हो। दुर्ग जिले की बात करें तो वर्तमान में चर्चाओं में भी था, आप एक जाना पहचाना चेहरे भारतीय जनता पार्टी में काफी सक्रिय, लंबी सेवा भी दी है आपका, आपके ने फादर की अगर बात करें वो भी राजनीति के परिप्रेक्ष्य थे, आपका चेहरा ही सामने आने की बातें चर्चा चल रही थी, उस पे क्या कहना चाहेंगे? चेहरा आपने टिकट की मांग की थी? ना, मैंने कभी टिकट की मांग नहीं की। चेहरा एक ही रहता है और वो है कमल का निशान, और ये कमल का निशान क्या है? कमल का निशान काम के प्रति जाना जाता है, और आज भी जो भी जनता जो वोट देगी भारतीय जनता पार्टी को, वो उसके कामों को देख के देगी। जो 15 साल हमारा सुशासन चला है, जो केंद्र के हमारे जो काम चल रहे हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि प्रत्याशी भी अपने आप में एक उसको देख के भी वोट पड़ते हैं कि वो कितना सक्रिय है कितना नहीं है। और दूसरी बात क्या होता है शाहीन जी, कि कभी भी किसी चीज को पाने से ज्यादा जरूरी है किसी चीज के लायक बनना। अगर हम उस चीज के लायक बन जाते हैं तो हम वो काम कर सकते हैं जो हम उस ओहदे में रह के करें या ना करें, लेकिन हम लोग उस काम को कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ग्रैंड एशिया के दर्शकों को आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ग्रैंड एशियन के दर्शकों को सबसे पहले बहुत ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हमारे नवरात्र की, और हमारे भारत में जितने भी भारतवर्ष में जितने भी त्योहार आते हैं वो बहुत साइंटिफिक रहते हैं, और सिर्फ नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी को लाने के लिए ये रहते हैं। माँ दुर्गा माता आपकी पूरी मनोकामना पूर्ण करें, लेकिन पूर्ण कब होती है? क्योंकि भगवान या माता ये नहीं चाहते हैं कि आप उनके भरोसे रहें, आप उन पे विश्वास रखें, ये चाहती है। और वैसे ही जनता भी यही चाहती है कि आप हमारे भरोसे ना रहें, हमारे पर विश्वास करें, तब जाके विश्वास एक अलग चीज होती है, भरोसा एक अलग चीज होती है। तो हम किसी के भरोसे ना रहें, भगवान भी ये चाहते हैं कि आप अपना काम करें, या आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपको फल नहीं मिलेगा, लेकिन आप विश्वास करें अपने कर्मों पर और कि आपको फल जरूर मिलेगा अगर आप काम करेंगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पुनः नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में अपने अल्प समय में थोड़ा सा समय हमें देने के। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।